हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडिफाइंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। ये आप सभी जानते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो वो किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो यदि हम बात करें कि जो सूर्य से प्रकाश आता है वो किस रूप में आ रहा है पौधों तक, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो सूर्य से प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, जो कि छोटी छोटी इकाइयों के बनी होती हैं। कैसे, जैसे ये हमारे पास एक पौधा है और यहाँ से अगर हम बात करें तो सूर्य से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, ये जैसे हमने बारिश के कणों को देखा है तो कैसे आती हैं, ऐसे डॉट डॉट करते हुए। तो ये एक तरीके से छोटी छोटी इकाइयों के रूप में ये सूर्य की किरणें जो होती हैं इस पौधे पर पड़ती हैं, जिन्हें हम इसी तरीके से, जो कि छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती हैं, कौन, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो सूर्य से पौधे तक आ रही हैं, वो कैसी छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम फोटोन बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन। तो ये जो है इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे फोटोन। तथा फोटोन में पाई जाने वाली ऊर्जा क्वांटम कहलाती है। और इन जो पैकेट्स, ये जो फोटोन होते हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, जो पैकेट होते हैं, इनके अंदर जो ऊर्जा मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम क्वांटम बोलते हैं। और इस क्वांटम की एक कॉन्सेप्ट होता है, इस क्वांटम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जिस तरीके से सूर्य से पौधे तक आ रही हैं, उस वेव को, या उस वेव को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उस वेव को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब जितनी कम, और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इससे लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये जितनी गति से आ रहे हैं ये फोटोन, तो उसको क्या बोलेंगे, हम लैम्डा बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य। तो जितनी कम तरंग दैर्ध्य होगी, जितनी कम तरंग दैर्ध्य होगी और उतनी ही इन फोटोन के अंदर जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा क्या होती है, मैंने आपको बताया क्वांटम। तो जितनी स्पीड में, या जितनी ज्यादा स्पीड में आ रहे हैं, मतलब उनकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, जितनी ज्यादा स्पीड में आएंगे उतनी उनकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो जितनी कम तरंग दैर्ध्य होगी ऊर्जा उतनी अधिक होगी, और जितनी कम स्पीड में आएंगे मतलब उनकी तरंग दैर्ध्य उतनी अधिक होगी। तो जितनी अधिक तरंग दैर्ध्य होगी, लैम्डा यहाँ पे मैंने सिंगल सिर्फ लैम्डा लिख दिया है क्योंकि तरंग दैर्ध्य को डिनोट करता है। तो जितनी अधिक तरंग दैर्ध्य होगी ऊर्जा उतनी कम होगी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, आपको नेचर ऑफ लाइट समझ में आएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है, विकिरण को ही हम रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की 390 nm और 760 nm मनुष्य के द्वारा देखी जा सकती है। मतलब ये जितनी स्पीड में आ रहे हैं और जितनी स्पीड तक आ रहे हैं, वो जो लैम्डा होती है, वो जो तरंग दैर्ध्य होती है, वो 390 nm से लेके 760 nm ही जो होती है वो मनुष्य के द्वारा देखी जा सकती है। मतलब उस रेंज का प्रकाश जो होता है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो दृश्य प्रकाश होता है, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं,
विबग्योर से डिनोट करते हैं। विबग्योर, विबग्योर मतलब होता है, वी मतलब होता है वॉयलेट। इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी 390 से 430 nm, और इंडिगो, आई मतलब होगा इंडिगो, जिसकी तरंग दैर्ध्य होगी 430 से लेके 470, और बी, बी का मतलब होगा ब्लू, और 470 से लेके 500 तक होगी, और जी जो होगा वो ग्रीन होगा 500 से 560, और वाई का मतलब होगा येलो 560 से 600, और ओ ऑरेंज 600 से 650 एनएम में रहेगा ये सभी, और इन सब के आगे एनएम रहेगा, और ऑरेंज जो रहेगा 600 से 650, रेड जो रहेगा वो 650 से 760। अच्छा ये सभी ये है क्या? आपने जो बचपन में देखा होगा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे, एक प्रिज्म होता था, प्रिज्म से हम लाइट डालते थे, वो सात रंगों में विभक्त हो जाती थी, टूट जाती थी, जिसे हम विबग्योर से दर्शाते थे। तो ये जो सात रंग वाला जो प्रकाश है जो रहता है वो हमारी आंखों तक आता था, कहाँ तक आता था, हमारी आंखों तक आता था, जो कि हमारे लिए विजिबल होता था या दृश्य होता था, इसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। अच्छा ये तो बात हो गई कि भाई 390 से लेके 760 nm तक का प्रकाश जो होता है ये पौधे यूज करते हैं इसके बीच में, और ये हमारे लिए दृश्य प्रकाश होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ होता होगा प्रकाश, जो कि 390 nm से पहले वाला भी होता होगा, जो और ज्यादा स्पीड में आ जाता होगा, और 760 से भी ऊपर वाली रेंज का कुछ प्रकाश होता होगा। तो ये जो 390 से कम तरंग दैर्ध्य के जो प्रकाश होता है, या जो उससे आने वाली रेज, रेज मतलब तरंगें जो होती हैं, जो 390 nm से कम तरंग दैर्ध्य से आती हैं, उनको हम कॉस्मिक रेज भी बोलते हैं, और ये काफ़ी हानिकारक होती हैं। और ये कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो हम गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेटिक रेज या यूवी रेज के नाम से जानते हैं। और वैसे ही 760 nm से अधिक जो लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य होती हैं उनको इंफ्रारेड या रेडियो रेज भी कहते हैं। अच्छा इस तरीके से ये सभी जो कॉन्सेप्ट होता है ये पूरा नेचर ऑफ लाइट बताता है कि भाई जो प्रकाश सूर्य से आ रहा है इस पौधे तक वो किस तरीके से आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, और कितनी तरंग दैर्ध्य से आ रहा है, और कितना प्रकाश जो होता है, किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो होता है जो हमारे लिए विजिबल होता है और जो पौधे के लिए उपयोगी होता है। अच्छा ये जो नेचर ऑफ लाइट है ये अकेले आपको यहाँ पे बायो में अकेले इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो ये है ये आपके लिए केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ भी आपको एक चैप्टर में आपको दिया रहेगा कि नेचर ऑफ लाइट बताइए कि तरंग दैर्ध्य होती क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, ये किस तरीके से सूर्य से आती हैं हमारी पृथ्वी तक, ये सभी कुछ मतलब इससे आपके दोनों जगह के कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एडिफाइंग एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके पास रेगुलरिटी के साथ वीडियोस आएं, और आपके पास प्रकाश संश्लेषण और इसके अलावा जो भी चैप्टर में आपको डाउट होते हैं प्लीज़ अपने टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको रेगुलर वीडियोस उन टॉपिक्स पे बना के दूँ, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि यूट्यूब पे कहीं ऐसा टॉपिक मिस हो रहा है जो आप नहीं मिल पा रहा है आपको हिंदी में, वो मैं आपको अपने चैनल पे ज़रूर कोशिश करूंगी कि वो उस पे आपको वीडियो बना के दूँ और आपका वो टॉपिक जो रहे वो क्लियर करूँ। बॉटनी से रिलेटेड, जूलॉजी से रिलेटेड, अभी फिलहाल मैं बॉटनी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। अगर आपको लगता है जूलॉजी का कोई टॉपिक है जो आपको टफ लग रहा है तो आप वो भी लिख के दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।